गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच हिंदी क्लास फिफ्थ लेसन थ्री, मेरी फारसी शिक्षा। जब मैं 5 या 6 बरस का हुआ तो मेरा अक्षरारंभ कराया गया। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ मेरा अक्षरारंभ कराया। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ था उस दिन सबको मिठाई बांटी गई और हम 3 विद्यार्थियों को मौलवी साहब का सुपुर्द कर दिया गया, 1 मैं और 2 मेरे कुटुंब के चचेरे भाई। हम तीनों में इमना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, वे ही हम सबके भी लीडर थे। वे हमेशा खेल और शतानियों में सबसे आगे रहते थे। उनके एक चाचा जो मेरे ही चाचा थे बड़े मजाक पसंद थे। मेरे पिताजी के भाई होने के कारण उनमें पिताजी के लिए कई गुण थे। उन्हें घोड़े की सवारी बहुत पसंद थी और वे बंदूक और गोले चलाना भी अच्छे प्रकार से जानते थे। वे फारसी के गाथा थे और शतरंज भी अच्छी तरह से प्रकार जानते थे। जो मौलवी हम साहब हमें पढ़ाने आए वे बड़े विचित्र आदमी थे। बलदेव चाचा के मजाक के लिए मौलवी साहब उपयोगी साधन बन गए थे। वो मजाक करते थे, चाचा चौधरी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और उनको बड़ा चढ़ाकर बातें करते हुए कलवा लेते थे कि वो हर काम जानते और कर सकते हैं। मौलवी साहब इस बात को भी दावा करते थे कि शतरंज खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। पर मैंने जैसे उन्हें बलदेव चाचा से जीतते हुए कहा कभी नहीं देखा होगा, वे हमेशा शतरंज में हार जाते थे। हम सब बच्चे बड़े कौतूहल से इन मजाकों को देखते थे, परंतु हम सबके लिए बड़ी मुसीबत मुश्किल थी कि कोई भी हंसने का मौका आ जाए तो मौलवी साहब के सामने हमारे लिए हंसना मुश्किल होता था। एक दिन की बात है कि बलदेव ने मौलवी साहब की बात को बताया कि बाग में बंदर आ गए हैं और बंदरों को गुलेर मारकर भगाया जा सकता है। बस इतना सुनना था कि मौलवी साहब ने अपनी साड़ी के पुल बांधने हैं। पुल होते हैं ना, अपनी तपनी साड़ी अपने आप करते हैं, शुरू बांधने शुरू कर दिए। वे बोले कि वे गुलेर चलाने में माहिर हैं। बदल जाचा समझ गए कि, परंतु फिर भी मजाक के लिए वे उन्हें बाग में ले गए। गुलेल और गोली मौलवी साहब के हाथ में देखकर चाचा बोले कि खूब खींच कर बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खींच कर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। उसी समय उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर 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 खून टपकने लगा और चोट के तेज दर्द से वो सहम गए क्योंकि गोली बंदर की बजाय स्वयं को मार बैठे थे। एक दिन हम सब लोग शाम के समय टहलने के लिए निकले। उस समय बलदेव चाचा और मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। हम सब चल रहे थे तभी एक सांड वहां आ गया। उसने कहा, ये सांड लोगों को मारता है। ये सुनकर हम सब रुक गए, परंतु मौलवी साहब कहाँ डरने वाले थे। वे अपनी बहादुरी का बखान करते हुए बेखौफ आगे बढ़े। तभी सांड ने उन्हें सींग से उठाकर पटक दिया। उस दिन बीत जाने पर पश्चात बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, परंतु उस बात को मानना कि कोई काम कर नहीं पा जानते उनकी शान के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अच्छा निशाना लगा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने बंदूक उठाई और चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर उस गिद्ध बैठा नजर आया। गिद्ध काफी ऊंचाई पर था तथा बंदूक खड़ी करके उस पर वार निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जैसे ही घोड़ा दबाया वैसे ही गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब ही गिर पड़े। तब चाचा जी ने उन्हें उठाकर उन्हें घर लाए। इस प्रकार के हंसी मजाकों के बीच ही हम सब फारसी पढ़ रहे थे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब को बुलवाया गया। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। अब हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाई जाती थी। बृहस्पति की दोपहर को खुद बाद शुक्रवार को दोपहर तक फारसी छुट्टी रहती थी और उस समय गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। उन दिनों हम बहुत सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे और बड़ी वहीं पर एक कोठरी में रहते थे। कोठरी के सामने आंगन में बैठकर हम सब पढ़ा करते थे। सुबह आकर हम सब पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया करते थे। जो जितनी जल्दी पुराना पाठ याद कर लेता उसको उतनी जल्दी नया सबक सिखाने के लिए नया सबक पढ़ा दिया जाता। एक तब तक सूर्य उदय हो जाता था। तब वहाँ से उठकर हम सब बच्चे अपने अपने मुँह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। हमें प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। कब छुट्टी मिलती? आधे घंटे छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता था और सबक याद करके सुनाने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते थे कि सब किताबें बंद कर दो। किताबें बंद करके हमें तख्ती निकालनी होती थी। जब तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता था। इस प्रकार तख्ती को थोड़े समय खेलने का समय भी मिल जाता था। इसी बहाने लोग खेल लेते थे। दोपहर को नहाने और खाना खाने के लिए 1-1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। खाना खाकर सबको सोना पड़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद सबको याद करने के लिए दूसरा सबक याद मिलता था और उसे याद करके सुनाने पर भी खेलने की छुट्टी मिलती थी। खेलने के बाद पुनः पढ़ने बैठना पड़ता था। संध्या को जल्दी नींद आती थी, परंतु हमेशा डर लग रहता था कि अगर मौलवी साहब ने हमें पलक झपकते कुछ देख लिया तो मार पड़ेगी। जल्दी छुट्टी के 2 पत्र उपाय होते थे, खेल कूद और शरारते। सभी में जमुना भाई हम सबके लीडर थे, इसीलिए जल्दी छुट्टी पाने के लिए उपाय भी वही करते थे। हमारे पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था, उसकी रोशनी में हम सब पढ़ते थे। यमुना भाई रेत
यमुना भाई रेत की छोटी छोटी पोटली बनाते थे और चुपचाप छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। रेत की पोटली जल्दी ही तेल को सोख लेती थी और जल्दी ही दिया बुझने लग जाता था। यह देखकर मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि दिए में तेल कम क्यों डाला। फिर मजबूरी में उन्हें हम बच्चों को किताबें बंद करने के लिए कहना पड़ता था। पढ़ाई का क्रम ऐसे ही चलता रहा और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सभी मौलवी साहब को प्यार करने लगे थे। कुछ समय पश्चात अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरे में आना पड़ता था। मौलवी साहब ने बिछड़ने से का हमें बहुत दुख था हुआ और शायद मौलवी साहब भी हमारे आने से बहुत ही दुखी थे। यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसी में देखिए आपका इसमें अभ्यास आपको स्वयं से करना है। क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए गए हैं, अभ्यास करना है। अब आया लेसन क्लास फिफ्थ में लेसन 4 गुरु नानक देव में मानवता के। गुरु नानक देव हमारे गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं। मानवता के महान उपासक नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर में 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिनको हम ननकाना साहब कहते हैं। ये स्थान पाकिस्तान में नानक की एक बड़ी बहन का जन्म अपने नानक के घर हुआ था, जिनका कारण हम सब नानकी कहते हैं। उनके स्थान पर इनको भी लोग नानक कहकर पुकारने लगे। 7-8 वर्ष की अवस्था में नानक को शिक्षा दीक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, किंतु वे पढ़ने लिखने के स्थान पर ईश्वर और ज्ञान संबंधी बातें करते थे, रुचि लेते थे। वे एकांत में बैठकर घंटों तक चिंतन मनन किया करते थे और अक्सर भजन कीर्तन में मस्त रहते थे। और नानक के पिता कालूचंद बेदी को पुत्र के ये सब कार्य पसंद नहीं थे। उनको सदैव नानक के भविष्य की चिंता रहती थी, सताती थी। जब नानक गुरु कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें खेती बाड़ी करने को कहा, किंतु खेती में उनका मन न लगा। अतः पिता ने बड़े उन्हें नौकरी के लिए सुल्तानपुर भेजा, जहां सरकारी गल्ले की दुकान पर नानक ने कुछ दिन काम किया। धीरे धीरे वे इस काम में भी उसे उबने लगे और वापस अपने गाँव आ गए। जब पढ़ने मन लगा तो लोग गुरु पढ़ा ही नहीं पाएंगे। एक दिन नानक के पिता ने उन्हें 40 रुपए देकर बालागांव नाम के नौकर के साथ लाहौर भेजा और कहा, बेटा कोई ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। बाला को साथ लेकर नानक लाहौर की ओर रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली मिली, जिससे बात करने के उपरांत उन्हें पता चला कि टोली के 3 लोग के लोग 3 दिन से भूखे हैं। ये जानकर नानक बाला से बोले, पिताजी ने खरा सौदा करने को कहा है, इससे खरा सौदा और क्या होगा। इन भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा दिया जाए। ये कहकर उन्होंने सारे रुपए साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर डाले और खाली हाथ घर लौटाए। पिता ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नानक को बहुत डांटा फटकारा, परंतु नानक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ समय बाद नानक के पिता ने उनका विवाह गुरदासपुर निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी के साथ करवा दिया। उनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक 2 पुत्र हुए, परंतु नानक का मन गृहस्थी में भी नहीं लगा। वे जो भी कुछ कमाते दिन दुखियों में बांट देते थे, जिससे घर गृहस्थी के चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। नानक की पत्नी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी धार्मिक पथ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगे। एक बार नानक का हाल चाल पता करने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैया को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना पर नानक के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो स्वयं उनका चेला बन गया। बाला पहले से ही उनके साथ था। अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, उसके लिए सब बराबर हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप है। अच्छे काम कीजिए जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े, लोगों को सब इस तरह से बताने लगे। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरु नानक ने बाला और मर्दाना के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की 3 यात्रा की। 4th यात्रा में वे देश के बाहर बिलोचिस्तान, मक्का मदीना, तिब्बत और बगदाद गए। कहा जाता है कि एक बार मक्का में वे काबा की ओर पैर करके सो गए, तब वहां के एक अधिकारी ने देखा तो उन पर बहुत बिगड़ा और उन्हें जगाते हुए बोला, मूर्ख तू कौन है जो इस तरह खुदा के घर की ओर पैर करके पड़ा है। गुरु नानक ने विनम्र शब्दों में कहा, बाबा मैं थका हारा मुसाफिर हूँ, मुझसे गलती हो गई। जिधर खुदा का घर ना हो तुम उधर मेरे पैर कर दो। उस अधिकारी ने क्रोध में आकर जब उनके पैर घुमाने शुरू किए तो जिस ओर गुरु नानक के पैर घूमते उसी ओर उसे काबा दिखाई देता। अंत में वो समझ गया कि अवश्य ही ये कोई सिद्ध पुरुष है। 4th यात्रा से लौटकर गुरु नानक करतारपुर में रहने लगे। जीवन पर्यंत दूसरों की भलाई तथा सेवा करते रहे। करते हुए सन 1539 में उनका देहांत हो गया, किंतु उनके दिए गए उपदेश आज भी हमें सदाचार और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। गुरु नानक ऐसे थे। अब ये देखिए लेसन इतनी भी पूरा हो गया है, इसमें भी आपको अभ्यास ही करना है, स्वयं से अभ्यास करना है। अब आया लेसन 5 प्रकृति की सी। पोयम है ये, कविता
फूलों से निथसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो से जुगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा आना। हमें कभी क्या कहता है, फूलों से, हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए। कितना भी कष्ट हो, फूल देखिए हर समय, जाड़ा गर्मी बरसात जैसा भी मौसम हो, वो हर समय अपना हर समय हंसते रहते हैं। भौरों से नित गाना, भौरे भी गुनगुन गुनगुन की आवाज़ में गाया करते हैं, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें फूलों से सीख लेनी चाहिए, फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए। तर की झुकी डालियों से नीतिको से जुगाना, तर की झुकी डाल पेड़ की डालियों से हमें सिर जुगाना सीखना चाहिए, क्योंकि जितना ही पेड़ भरा पूरा होता है उसका सिर वो झुका हुआ होता है। ऐसे हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ों से ही सिर झुकाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से ही को लगना और जगाना, सूरज की किरणों से ही हमें, सूरज सही समय पर निकलता है और सही समय पर अस्त होता है, हमें सब चीज सीख सूरज से ही लेनी चाहिए। जगना और जगाना, जगना और सोना, शाम के समय सूरज अस्त होता है और समय निकलता है अपने सही समय पर। लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लताएं जो होती है पेड़ों में, देखिए लताएं निकलती हैं तो लिपटती जाती हैं, इसी तरह से लताओं से ही हमें लोगों से गले मिलना सीखना चाहिए कि सबको कैसे लता के लोगों से अपने घर गले मिलती है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो जीवों को सच्ची सेवा करना, जल तारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चैतन्य बढ़ करना, अपने गुरु से सीखो बच्चे उत्तम पढ़ना। हमें दीपक से ही सीखना चाहिए, दीपक क्या करता अंधेरे को उजाले में बदल देता है, और दीपक से ही सीखो जितना अंधेरा हमें करना है। पृथ्वी से सीखो जीवों पर, और पृथ्वी पृथ्वी हम लोगों का कितना बोझ उठाती है, लेकिन तभी वो सहनशील होती है, वो लोगों की सच्ची सेवा करती है, कभी भी उफ नहीं करती है। जलधारा से सीखो आगे, और जलधारा नदी, नदी का और देखिए पानी जब कल 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 कर करके आगे बढ़ता जाता है, इसीलिए हमें जलधारा से ही पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम, और धुआं देखिए ऊपर की ओर उठता है, हमें धुएं के से ही ऊपर उठने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। सत्पुरुषों से सीखो जीवन में चरित्र निर्भर करना, और सत्पुरुष जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं से हमें ये सब सीखना चाहिए, उनके उनको उनसे हमें संदेश लेना चाहिए, जो वो समझाएं वो हमें समझना चाहिए। सीखो चरित्र, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना, और अपने गुरु जो हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं उनसे हमें उत्तम सीखना पढ़ना सीखना चाहिए। ये आपका प्रकृति की सीख लेसन 5 कम्प्लीट हो गया है। इसमें आपको, इसमें भी आपका अभ्यास है, आपको स्वयं से अभ्यास करना है। अब आया लेसन 6 ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है, गांव में कितना ही कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है, वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी के साथ अमीना की गोद में सोता था। अमीना का दिल कचपचा रहा था, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं था, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए तो क्या, खो गया तो क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। दादी सोच रही थी पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पर हामिद ने के उत्साह का क्या करे, अधिक पैसे भी पास में नहीं थे, बड़ी मुश्किल से वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले में जाने जुटा पाई थी। हामिद ने भीतर जाकर देखा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना, दादी को अपनी अम्मा कहता था। गांव में मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी कभी सबके सबके सब दौड़कर आगे के जाते, तो कभी किसी पर नीचे छोड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, चलते चलते शहर का दामन आ गया। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, ऊपर इमली के घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर बिछायत हो रही है, दौरेदारों की बंतियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली जा रही थी। गांव से आने वाले लोग भी पिछली पंक्ति में खड़े हो गए थे, कितना सुंदर दृश्य, लाखों सिर एक साथ छज्जे में झुकते और फिर एक साथ सब एक साथ खड़े हो जाते, एक बार एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते, कई बार यही क्रिया होती नमाज पढ़ने में। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, बूढ़े और बच्चे सभी प्रसन्न थे, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जुट गई थी, खिलौने की दुकान पर तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही मुजरिम राजा वकील भिस्ती और धोबी, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, क्या अब वो बोलना ही जैसे रहता है बोलना ही चाहते हैं। मैमू सिपाही रहता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है ऊपर मसक रखी है, नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा सफेद नीचे सफेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घर
घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए, सब दो दो पैसे में के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे, वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, और सब मजे से खा रहे थे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते, लेकिन अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती तो उनका हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, जरा देर तो खुशी में होगी, फिर तो कोई उनकी उड़ान नहीं दे सकता, कई तो पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। मैं तो चिमटा ही लूंगा, उसे दादी उसे देखेंगी, ये दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। सब आते हमें सोच रहा था, इन लोगों के खिलौने पर कौन ही नहीं दुआ देगा, मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठाक बताओ, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वह आगे की ओर बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़की ना दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से करता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों उठा लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी है, जरा नीचे गिर जाएंगे तो टूट फूट बराबर हो जाएंगे, अगर कोई शेर आ जाए तो तुम मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही बंदूक की मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चोंगे में मुँह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा ये बहादुर लपक कर शेर के गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क पर बच्चों के पास कोई जवाब न था, उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे लिए खर्च किए थे पर कोई काम की चीज नहीं ली। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले घर पहुंचे। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गले लगाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देकर वो चौंकी, ये चिमटा कहाँ से आया, मैंने मोल लिया है, कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आ गया, बोली दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, 3 पैसे हैं, उनका भी ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध जैसे उड़ गया, बच्चे में कितना त्याग है, दूसरों को खिलौनों को देते और मिठाइयां खिलाते देख उसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ख्याल रहा, ध्यान रहा, ये सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और इधर हामिद वो अपनी दादी को प्यार भरी गोद में डुबका जा रहा था। ये लेसन 6 भी आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग अभ्यास जरूर करिएगा। थैंक यू।